परमात्मा की तरफ से हमें हर समय कुछ संकेत मिलते रहते हैं, पर हम इन संकेतों को आसानी से नहीं देख पाते हैं और न समझ पाते हैं। परंतु इन संकेतों को समझा जा सकता है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर इन संकेतों को हम पहचान सकते हैं कि ये संकेत हमारे लिए ही हैं और हम किस तरह से उन संकेतों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। संकेत जानने का पहला तरीका, वैसे तो हम जो भी सपने में देखते हैं उनमें से अधिकतर सपने भूल जाते हैं, परंतु कुछ सपने विशेष होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं। उन सपनों में खास तरह के संकेत छुपे होते हैं। उन सपनों को समझकर अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका, स्वप्न में ही नहीं जागृत अवस्था में भी हमारे पास कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जो हमें कुछ नया सिखाकर, कोई इशारा देकर कुछ समझाने की कोशिश करती हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है तो हमें ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। तीसरा तरीका, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसे हम जानते नहीं हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा इस इंसान से जन्मों का नाता है। वह व्यक्ति आपकी मदद ऐसी परिस्थिति में करता है जहां से बाहर आना शायद बहुत मुश्किल हो। यह इंसान ईश्वर का भेजा कोई दूत हो सकता है। चौथा तरीका, यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं और किसी न किसी तरीके से उसमें बार बार विघ्न पड़ रहा है, हम कई बार उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं परंतु बार बार उसमें बाधा पड़ती है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें परमात्मा का कोई इशारा छुपा हुआ हो। वह कार्य हमारे लिए शुभ ना हो, उस कार्य के परिणाम हमारे लिए परेशानी खड़ी करें। आपके साथ यदि ऐसा होता हो तो आप परिस्थिति का भली भांति आकलन करें। पांचवा तरीका, यदि आपको कभी ऐसे अंक दिखाई दें जो बहुत विशेष हो या ऐसी चीज दिखाई दे जो बहुत विशेष संकेत प्रदान करती हो, यह भी ईश्वर का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। यदि आपके साथ ऐसे संकेत घटित होते हैं तो इन्हें पहचानें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद।